वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे विल सी द टॉपिक ऑफ द मार्केटिंग बेसिकली। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट? सम ऑफ द एग्जाम्पल वी हैव सीन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। सो विल ऑल्सो ट्राई टू कवर अ स्मॉल टॉपिक दैट इज अ मार्केटिंग, सो एटलीस्ट वी कैन हैव सम आइडिया। That of course everybody knows in this age what marketing is, but let's try to cover up in a short span. So basically, what is marketing? So we'll just stick to the concept. So basically, marketing kya hai, right? So I'll just read it for you. So marketing is the process of developing, promoting, and distributing the products to satisfying customer needs and wants, right? So yahan pe basically if we मेजर, सो यहाँ पे बेसिकली कौन कौन इन्वॉल्व है, राइट? हु आर द यूजर्स, हु आर द रोल्स विच आर इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग। सो एक साइड हो गया आपका दैट इज अ कस्टमर, राइट? और एक साइड हो गया आपका जो बेसिकली हु आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स, हु आर डेवलपिंग द थिंग्स, राइट? सो कस्टमर है, सो बेसिकली उसकी कोई नीड्स है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स है, राइट? सो he or she or customers might be expecting something from the company, so who can basically satisfy their needs, right? So in order to do that, what companies come up with? So they come up with the products and services, right? So basically marketing mein ye sari process ho rahi hai ki koi bhi product ki aapki developing hogi, right? Basic नीड्स समझ के वॉट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, राइट? कस्टमर को क्या चाहिए, राइट? एग्जैक्टली वही चीज़ हम डेवलप करेंगे, राइट? वही चीज़ हम उसको प्रमोट करेंगे और उसके बाद विल दस डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स, राइट, टू द कस्टमर। और उसके बाद वी कैन जस्ट टेक द फीडबैक्स के उनको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, राइट? सो दिस आर द एक्टिविटीज विच इज इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर्स, developing strategies to meet consumer needs, effectively communicating the value of a product or service to the potential customers, right? So basically whenever before developing any product, right, ek research hoti hai, ek understanding hoti hai consumer behavior ki, ke basically customer ko exactly kya cheez hame chahiye, right? Let's take one example ke let's say if you are living in some cold countries or cold area, right? सो वहाँ पे रिसर्च होगी कि बेसिकली लेट्स से द टेम्परेचर आपका है दैट ऑलवेज रिमेन्स इन अ माइनस, राइट? सो व्हाट आर द नीड्स कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो वी हैव टू डेवलप और वी हैव टू मेक सम प्रोडक्ट, राइट, कि जहाँ पे उनकी नीड ये है कि ठंड जो है बेसिकली, सो दे कैन जस्ट गेट सेव। सो हम ऐसे कुछ चीज़ बनाएंगे, ऐसे आउटफिट्स बनाएंगे, राइट, ऐसे जैकेट्स बनाएंगे कि जो बेसिकली टेम्परेचर रेजिस्टेंट कर सके एंड दे कैन गिव द प्रोटेक्शन इवन इफ इट्स अ माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर, राइट? सियाचिन है तो सियाचिन में ऑफकोर्स हमारे सोल्जर्स वहाँ पे हैं, सो ऑफकोर्स दे आर डिवोटिंग देयर ऑल द एनर्जी टू द कंट्रीज एंड ऑफकोर्स उनके लिए भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? सो ऑफकोर्स R&D टीम होती है, कंपनीज होती है, दे आर जस्ट मेकिंग सच प्रोडक्ट्स, राइट? दे आर यूजिंग सच मटीरियल्स कि जहाँ पे बेसिकली उससे दे जस्ट मेक सम प्रोडक्ट कि जहाँ पे वो लोग वो चीज़ वेयर कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट दे कैन जस्ट गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, राइट? दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द माइनस डिग्री टेम्परेचर्स, राइट? सो ये सारी चीज़ है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, क्या चाहिए उनको, किस तरह से प्रोडक्ट की हमें क्या स्ट्रेटजी हमें बनानी होगी, राइट? और we have to understand the value of the product, right? And we also have to value the customer needs ki exactly humko kya chahiye aur hum usko kis tarah se kya product ki value bana ke unko supply karenge, right? Third thing is that ultimate goal of marketing is to create a relationship between the customer and the brand, right? Jaise humne bola ki do sides hain, ek side to that is a customer side and second which are the companies who are just making the products there, मेकिंग अवेलेबल ऑफ द सर्विसेज, राइट? सो बेसिकली एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, राइट, विच रिजल्ट्स इन अ कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस।
आप जितनी कस्टमर लॉयल्टी रखेंगे, जितना प्रोडक्ट आप उनको रियल देंगे, राइट, उनकी नीड के हिसाब से हम देंगे, सो बेसिकली दैट विल मेक सम गुड बॉन्ड्स बिटवीन कस्टमर्स एंड ब्रांड्स, कस्टमर्स एंड कंपनीज, राइट। मार्केटिंग कैन एनकंपास अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिक रिलेशन हो गया, सेल्स हो गए, ब्रांडिंग हो गई, मार्केट रिसर्च हो गया, राइट। सो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में बेसिकली इन्वॉल्व हैं, राइट। ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट्स, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। लेट्स से आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाई बट दैट इज़ नॉट रीचिंग टू द कस्टमर्स, सो क्या फ़ायदा होगा? तो ऑफकोर्स एडवर्टाइज आपको करना होगा, क्योंकि एडवर्टाइज नहीं करोगे तो सामने वालों को पता नहीं चलेगा, राइट। दैट कैन नॉट बी रीच टू द कस्टमर्स, राइट। सो यही चीज़ हमने देखी थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ऑफकोर्स वहाँ पे भी कस्टमर्स तक पहुँच रहा था, बट वॉट वॉज हैपनिंग इज दैट वी वर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मैथड्स और वी वर नॉट रीचिंग अप टू द डिजायर्ड टारगेटेड ऑडियंस, राइट। सो क्यों, जो वो हमने चीज़ समझी थी, बेसिकली रिवॉल्यूशन होते गए एंड ओवर द पीरियड इंटरनेट आता गया, डिवाइसेस आते गए, राइट, एंड वी आर जस्ट मेकिंग यूज ऑफ डिजिटल मीडियम्स, राइट। उनकी सेल्स करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, राइट। आजकल जो चीज़ चल रही है, मतलब ब्रांड पे लोग ट्रस्ट करते हैं, मतलब ब्रांड है तो हम चीज़ खरीदेंगे, राइट। लेट्स से आईफोन तो एक ब्रांड है, राइट। सो इट्स नॉट कप ऑफ एवरीवन्स टी कि 1 लाख का एक आईफोन हम खरीदने चले जाए सब लोग, राइट। बट दोज हु आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, दे आर हैविंग गुड बग्स, सो एटलीस्ट दे कैन थिंक फॉर द गुड ब्रांडिंग, राइट। सो मार्केटिंग में यही सारा ओवरऑल हमारा कंसेप्ट रहेगा, राइट, कि प्रोडक्ट्स है, कस्टमर्स है, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, राइट, किस तरह से, किस बिहेवियर से वो प्रोडक्ट बनी है और वो प्रोडक्ट किस मीडियम से, बेसिकली दैट इज रीचिंग अप टू द कस्टमर टिल द एंड, राइट। सो मार्केटिंग में यू विल अंडरस्टैंड 4 P's। तो 4 P's में एक तो आपका हो गया दैट इज अ प्रोडक्ट, सेकेंड हो गया आपका प्लेस, थर्ड हो गया आपका प्रमोशन, एंड फोर्थ हो गया आपका प्राइस, राइट। सो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में समझ गए आप, जैसे लेट्स से BMW है, राइट। सो एक प्रोडक्ट भी जैसे बनता है, सो प्रोडक्ट में हैव लॉट ऑफ सब पार्ट्स और प्रोडक्ट में हैव लॉट्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स, पार्ट्स और यू कैन से लॉट्स ऑफ मटेरियल यूज, राइट। मिक्सिंग ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर दैट मेक इट अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट। अगर पार्ले जी की बात करें तो पार्ले जी में लेट्स से अगर गेहूँ यूज हुआ है, मिल्क यूज हुआ है, शुगर यूज हुआ है, राइट, सो दे आर द स्मॉल स्मॉल आइटम्स दैट इज ऑल टुगेदर इन एंड वी आर जस्ट मेकिंग वन प्रोडक्ट, राइट। सो इस तरह से प्रोडक्ट में या तो वो सिंगल चीज़ का भी हो सकता है, राइट, या तो वो मल्टीपल चीज़ से मिक्स होके कुछ एक आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। सो दैट इज़ वॉट कॉल इट्स अ प्रोडक्ट। सेकेंड दैट इज़ अ प्लेस, राइट। सो प्लेस एक ऐसी चीज़ है कि दैट इज़ अ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि प्लेस में हम कहाँ पे बेच रहे हैं, कहाँ ये प्रोडक्ट आपका चलेगा, राइट। जैसे एग्जांपल हमने बता दिया कि वी वर जस्ट थिंकिंग फॉर अ सोल्जर्स कि जहाँ पे सियाचिन में उनको वो चीज़ की ज़रूरत है। नाउ थिंक फॉर अनदर डायरेक्शन कि यू हैव मेक सम जैकेट हु इज़ रजिस्टेबल टू द टेम्परेचर और जहाँ पे दैट इज़ गिविंग अ प्रोटेक्शन ऑफ अ -40 डिग्री टेम्परेचर, बट आप वो चीज़ ले जाके ऐसी जगह बेच रहे हो कि जहाँ सन टेम्परेचर रहता है 40 डिग्री प्लस, राइट। सो हीट वेव्स आपके वहाँ पे चल रही है और आपके वहाँ पे शॉप है एंड यू हैव जस्ट डेवलप वन गुड जैकेट के जो आपको ठंडी में प्रोटेक्शन दे रहा है। नाउ थिंक इन ट्रेडिशनल वे कि आपने वहाँ पे शॉप खोली, वहाँ कस्टमर्स को वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स कि दैट यू नीड टू जस्ट टेक केयर कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ बेचनी है और किस तरह से वो आगे बढ़ेगा, राइट। सो इट मे हैपन कि एक दो कस्टमर आपके आए, देख के ले गए, बट इट इट नॉट मे बी दैट इफेक्टिव कि जहाँ पे आपके टारगेटेड ऑडियंस तक ये सारी चीज़ पहुँच पाए, राइट। सो प्लेस इज़ द सेकेंड मोस्ट क्रूशियल पॉइंट कि जहाँ पे डिपेंड ऑन दैट जोग्राफिकल कंडीशन, डिपेंड ऑन द कस्टमर्स बिहेवियर, ये सारी चीज़ मिला के हमें
we have to think for the product, right? थर्ड थिंग दैट इज अ प्रमोशन. प्रमोशन भी हमें करते रहना पड़ेगा. कंपनीज प्रमोशन कर रही है, करती रहेगी, राइट? पेप्सी का ऐड था तो प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं. सिंस ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज भी हम वही चीज़ देखते हैं तो प्रमोशन अभी भी चलती है, राइट? दे हैव नॉट स्टॉप, दे आर जस्ट कमिंग अप विद द न्यू एंड न्यू काइंड ऑफ प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, राइट? सो उनका उस तरह से आपका सेल्स बढ़ता रहेगा, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा. फोर्थ पॉइंट, सो दैट इज अ प्राइस. सो प्राइस एक ऑफ कोर्स अनदर क्रूशियल पैरामीटर है कि प्राइसिंग हमें प्रोडक्ट की क्या रखनी है, राइट? सो इफ यू हैव वॉच द शार्क टैंक एपिसोड्स, राइट, इंडिया में भी चलता है, यूएस में भी चल रहा है, राइट? सो वेन एवर सम एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग टू द शार्क टैंक, सो बेसिकली वेन एवर दे आर लिस्टिंग टू दैर प्रोडक्ट्स कि क्या चीज़ बनाई है, राइट? सो एट द एंड दे जस्ट कम टू द प्राइस. नाउ यू हैव सीन दैट कि कुछ लोग की प्राइस इतनी हायर होती है, सो दैट इज़ नॉट कंपेटेबल टू द कस्टमर, राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक कुछ प्रोडक्ट आई, सो वो प्रोडक्ट की प्राइस आपकी उसने बताई 10,000, राइट? सो दैट इज नॉट पॉसिबल. 10,000 प्रोडक्ट प्राइस के कस्टमर आपको इतने सारे मिल जाएंगे. लेट्स से एक वॉच है, वॉच स्मार्ट है, उसमें GPS है, वीडियो कॉलिंग है, राइट? वहाँ पे इमीडिएट सर्विसेज सारे जो है, दैट इज मेडिकल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, सारे कॉल हो जा रहे हैं, राइट? सो दे हैव जस्ट मेक वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000, राइट? सो जिसके पास पैसा है, ऑफकोर्स दे कैन जस्ट अफोर्ड दैट वॉच. बट लेट्स से द कस्टमर्स, दोज हु वॉन्ट दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बट उनके पास ऐसा पैसा नहीं है, सो ऑफकोर्स यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू दैट लेवल सो लोग उसको खरीद पाए, राइट? इतना भी नहीं होना चाहिए और इतना भी नहीं होना चाहिए. सो दैट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि हमें क्या करना है, राइट? उसका डिवोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रोडक्ट की, ब्रांड की, हर चीज़ की वैल्यूएशन डाउन हो, राइट? सो दिस आर द पैरामीटर्स ऑफ द मार्केटिंग 4 P's. इसी तरह से आपके 7 P's है जहाँ पे सर्विसेज वगैरह अगर ऐड हो रही है, सो 3 more P's आर एडिंग टू दैट. दैट इज अ प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस, राइट? सो प्रोडक्ट, सो एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट के डिज़ाइंस होती है, राइट? उसकी यूटिलिटी कैसी होगी, बेसिकली उसकी क्वालिटी आपने कैसी रखी है, राइट? सो बेस्ड ऑन द प्राइस एंड थिंग्स यू डिसाइड द क्वालिटी, राइट? सो ऐसा भी होना नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी एकदम डिग्रेड कर दे, राइट? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी और प्राइस हम वो चीज़ को कंपेयर ना कर पाए, राइट? सो वी हैव टू थिंक फॉर बोथ द थिंग्स पैरेलली, राइट? उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी एसेसरीज आप क्या क्या उसके साथ दे रहे हो, वारंटीज वगैरह उसके साथ क्या दे रहे हो, राइट? लेट्स से इफ़ यू आर बाइंग आईफोन, सो आईफोन लेट्स से यू हैव परचेस फॉर 1 lakh rupees, सो एसेसरीज में उसके पास उसका चार्जर नहीं आता, राइट? सो यू हैव टू परचेस वन मोर चार्जर दैट इज़ कॉस्टिंग 25,000, 15,000, लेट्स से, आई डोंट नो. बट इफ़ यू हैव परचेस वन स्मॉल नोकिया फ़ोन या सैमसंग फ़ोन, राइट? सो उसके पास एसेसरीज आती है कि जहाँ पे हेडफोन आ गया, चार्जिंग आ गया, एक एक्स्ट्रा कुछ USB केबल दे दिया, सो राइट, तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, राइट? सो आई एम हैविंग दिस मच ऑफ एसेसरीज. सो दिस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग दैट इज वेयरिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, दैट वॉट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड वॉट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दे वॉन्ट टू ऑर्डर, राइट? और कस्टमर को हमें क्या चीज़ देखनी है. सेकेंड दैट इज अ प्लेस, तो वो तो हमने देख ही लिया. प्लेस में भी इसी तरह से एट साइड ऑफ अ प्रोड्यूसर, बेसिकली अलग अलग आपकी चैनल्स होती हैं, राइट? कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में उनकी सीधी चैनल से वो चीज़ बिक रही है या दे आर हैविंग अ मल्टीपल चैनल्स, राइट? B2B हो गया, B2C हो गया, पीयर टू पीयर आपका हो गया, राइट? होलसेलर बीच में आते हैं, रिटेलर्स बीच में आते हैं, राइट? सो विल जस्ट ट्राई टू कवर दिस टर्मिनोलॉजी इन नेक्स्ट वन ऑफ द वीडियोस. प्रमोशन हो गया आपका, तो स्पेशल आपके ऑफर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइट? स्पेशल ऑफर कैसे, कि जैसे लेट्स से आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल, पिज़्ज़ा खाने का शौक सबको होगा, राइट? सो
लेट्स से कि पिज़्ज़ा की कंपनीज है तो हाउ दे विल जस्ट डू देयर प्रमोशन, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफर कर दिया कि जैसे आज एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री मिल जाएगा, राइट, या तो एक पिज़्ज़ा पे लेट्स से आपकी कोक या थम्सअप फ्री हो जाएगी, राइट. सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू सम स्पेशल ऑफर्स एंड दे आर डूइंग अमेजिंग मार्केटिंग एंड दे आर ऑल्सो गिविंग अ गुड काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन टू द अदर कंपनीज, राइट. एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, पैम्पलेट्स आ गया, पेपर में छप गया, राइट, या तो फिर ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग कर ली, राइट, SMS आ गई, कुछ मेल आ गया, राइट. सो लॉट्स वे आर दैट फॉर प्रमोटिंग, ज्वाइंट वेंचर्स कर लिया किसी के साथ, राइट. सो दे ऑल कम अंडर द प्रमोशंस. प्राइस है तो प्राइस में भी हमने देख लिया बेसिकली कि किस तरह से प्राइस करना है, पेनिट्रेटेड प्राइजिंग. लेट्स से कि अगर 100 रुपये का पिज़्ज़ा ऑलरेडी मिल रहा है और यू आर जस्ट कमिंग अप विद द न्यू प्रोडक्ट, आपने भी एक पिज़्ज़ा की शॉप खोली या फ्रेंचाइजी खोली लेट्स से, एंड यू आर गिविंग दैट इन अ 200 रुपीज़, सो ऑफकोर्स कोई यहाँ पे नहीं आएगा, या आ भी सकता है, वी कैन नॉट से दैट, बट कॉम्पिटिशन इतनी है दैट यू हैव टू मैच द प्राइस विद द एग्जिस्टिंग कंपनीज, राइट. सो किस तरह से आपको मार्केट में एंटर होने के लिए क्या प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, राइट, आपकी कॉस्टिंग कितनी है, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कितनी है, ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्टिंग कितनी है, राइट, एंड आफ्टर दैट व्हाट बेनिफिट यू आर गेटिंग आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट. सो बहुत सारे आपके पैरामीटर्स हो गए, फिजिकल एविडेंस हो गया, आपकी फैसिलिटीज़ वैसा कैसी है, इंटरफेसिस वगैरह कैसा है, प्रोसेस एक हो गया, सर्विस डिलीवरी आपकी हो गई, राइट. प्रोसेस किस तरह से, लेट्स से इफ यू हैव बुक फूड फ्रॉम स्विगी, राइट, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट जस्ट मेकिंग फूड, दे आर जस्ट काइंड ऑफ सर्विस कि वो होटल या कहीं से भी पिक करेंगे और दे आर जस्ट डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर्स, राइट. सो दे आर द मिडल मैन, राइट, दे आर नॉट मेकिंग प्रोडक्ट्स, जस्ट वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं सो दैट यू डू नॉट हैव टू मूव आउटसाइड योर होम, राइट, घर पर बैठे बैठे आपका ऑर्डर हो जाए, राइट. सो सर्विस डिलीवरी कैसी है, लेट्स से अगर दो कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी कंपनीज है वो ऑलरेडी चल रही हैं, राइट, सो वन इज़ गिविंग अ फेयर सर्विस डिलीवरी, या टाइमिंग वगैरह उनके मैच हो रहे हैं अच्छे से, राइट. लेट्स से सॉफ्टवेयर में अगर दिखा रहा है कि 10 मिनट्स, सो दे आर रीचिंग इन द 10 मिनट्स, दे आर नॉट टेकिंग मच मोर टाइम, या तो कोई कंपनी ऐसी है कि वो फेक सर्विस डिलीवरी दिखा रही है, 10 मिनट्स दिखा रही है, बट ऑलवेज उनका सर्विस टाइम डिलीवरी का दैट इज मोर देन 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, राइट. सो कॉम्पिटिशन इतना है कि यू कैन थिंक फॉर इट कि विच कंपनी वी विल एडॉप्ट फॉर डिलीवरिंग द सर्विस, राइट. अमेजोन है तो उसमें भी सर्विसिंग होती है, राइट. सो बहुत ये सारे पैरामीटर्स आपके हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस. नेक्स्ट दैट इज अ पीपल, राइट. सो पीपल दोनों साइड हो गए, राइट, कि जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज कैसे हैं, दे आर स्किल्ड वर्कर्स, दे आर नॉन स्किल्ड वर्कर्स, राइट, हाउ मच दे आर हैविंग अ टेक्निकल नॉलेज, नॉन टेक्निकल उनके एम्प्लॉयज कैसे हैं, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज, हाउ द कल्चर इज, हाउ दे आर वैल्यूइंग देयर ओन पीपल, राइट, उनका CRM कैसा है, कस्टमर के साथ किस तरह से देयर बॉन्डिंग, राइट. सो ऑल द पीस दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, पीपल, राइट. सो सारी चीज आपके मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, राइट. मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सिंगल थिंग कि एक प्राइस ही है या एक प्रोडक्ट ही है, दैट इज अ एंटायर साइकिल दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंज्यूमर नीड, राइट, कि जहाँ पे आपकी एक नीड से शुरू होता है एंड दैट इज एंडिंग अप टू द रीचिंग द प्रोडक्ट टू द पीपल, राइट, एंड आफ्टर द फीडबैक ऑल अगेन द साइकिल गोज एंड गोज, राइट. सो किस तरह से फीडबैक आया, किस तरह से आपने उसको इन्वाइट किया, किस तरह से आपने वो फीडबैक को लेके आगे अपने आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट में चेंजेस वगैरह किया, राइट. सो ऑल द थिंग्स कम अंडर द पीस.
राइट सो ये भी हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया था कि दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग. सो ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग में बेसिकली दैट इज नथिंग बट वी आर जस्ट प्रमोटिंग द बिजनेस, वी आर जस्ट सेलिंग अवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. राइट, ऑनलाइन दो कैटेगरी हो गई आपकी, या ऑफलाइन कैटेगरी हो गई, ट्रेडिशनल भी हमने देख लिया था. राइट, सो दोनों मेथड्स हैं, इट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट विच साइड दे वॉन्ट टू गो फॉर. राइट, सो बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग है, सो दैट विल बी यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज. राइट, सो इफ यू आर हैविंग अ गुड अमाउंट, गुड बजट, सो यू कैन जस्ट गो एंड डू द प्रमोशंस एंड यू कैन जस्ट सीक फॉर द ऑडियंस, यू कैन टारगेट द ऑडियंस. राइट, ऑफलाइन में भी ये चीज़ पॉसिबल है, बट दैट विल बी टू द लिमिटेड यूजर्स. राइट, सो बेस ऑन योर स्ट्रक्चर, बेस ऑन योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, बेस ऑन योर एक्सरसाइज, बेस ऑन योर टीम डिसीजंस, यू हैव टू टेक दैट यू वॉन्ट टू गो फॉर अ ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग. राइट, ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे मीडियाज इंक्लूड हो गए, ब्लॉगिंग हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, वीडियो ब्लॉगिंग हो गई. राइट, ऑफलाइन में हमने देखा था कि दैट इज अ ब्रोशर्स हो गए, बैनर्स हो गए, आपका पोस्टर्स हो गए. राइट, सो ऑल टुगेदर यू हैव टू वर्क फॉर द बोथ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. राइट, सो विल जस्ट कीप इट हियर एंड इन नेक्स्ट स्लाइड विल जस्ट सी द एनालिसिस कि डिजिटल एरा में और किस तरह से यूजर्स बढ़ रहे, किस तरह से हाउ एग्जैक्टली दे आर ओवर द कंट्रीज दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स, दे आर यूजिंग द डिजिटल सर्विसेज, दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया, दे आर यूजिंग द मोबाइल्स. राइट, सो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.